चीजें हैं, उसमें से आधा पेज आप मेरा मान के चलिए। नहीं झूठ बोला, झूठ बोला। मुझे बहुत 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 खुशी है इस बात की कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। मेरे लिए यही बहुत फख्र की बात है। बाकी फिल्म का जो नसीब है, हर फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है, कहाँ जाती है, कहाँ पहुँचती है, जनता आप सब उसे कितना पसंद करते हैं वो बात की बात है, पर फिलहाल मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत फख्र की बात है। उसके लिए थैंक यू सो मच जैगम भाई, एंड थैंक यू सो मच पवन भाई, पीयूष जी, सबको बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। एंड थैंक यू तीशु सर, आप यहाँ पर आपके सामने मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ वही मेरे लिए मतलब मेरा रोज़ा बन गया आज। थैंक यू सो मच। हरमिंदर सिंह अलग फिल्म में मेरे बेटे की भूमिका में है, इनका परिचय भी बहुत बहुत शानदार एक्टर हैं और बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म में। कुछ कहना चाहोगे? अरे नहीं बोल दोगे, कुछ कहना चाहोगे? नहीं, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए समझिए, मैंने आपसे क्या कहा ना, कहानी को पहली बात आप थोड़ा सा कहानी की तरह लीजिए, इसको पूरी तरह अगर आप पूरी तरह सच्चाई से जोड़ देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आजकल तो डिस्क्लेमर भी लगाते हैं कि फिक्शियस है, पूरी तरीके से सारी चीजें सेंसर लगाता है। देखिए समझिए, आपने जो बात कही मैं समझ सकता हूँ। फिल्म में आपने मुझसे पूछा तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हाँ वो है नहीं है वो अलग बात हो गई, लेकिन फिल्म में सारी बातों के जवाब है। उस कैरेक्टर की कहानी है, उसका दर्द है, समझिए। उसका काम जो है वो काम ही भगवान है, कर्म ही जो है, कर्म ही पूजा है, ये सर्वधर्म है, तो उसका कर्म है, वो अपनी चीजों में कहता है। आप फिल्म देखेंगे उसमें समझ में आपको आएगा, वो उसका काम है करना। और मैं आज भी आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं आपको लगता है कि मैं अगर अल्लाह की इज्जत करता हूं, मैं भगवान की उससे ज्यादा इज्जत करता हूं। ये डायलॉग भी है मेरी फिल्म में, मैं इसको पूरी तरीके से कह रहा हूं क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं, ईश्वर भी कणकण में व्याप्त है, अल्लाह भी कणकण में व्याप्त है, तो ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें अल्लाह नहीं होगा, और ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें वो मंदिर में अल्लाह नहीं होगा और मस्जिद में ईश्वर नहीं होगा। ये ऐसी बात नहीं थी, कर्म की बात है, वही मैंने कहा ना। आप फिल्म में क्या देखते हैं कि एक नक्काश, ये उसकी पीड़ा है कि उसको क्या परेशानी हो रही है, यही तो इसकी ये ट्रेलर में दिख रहा है। फीचर फिल्म में आपको पूरी चीजें दिखेंगी, सारी बातें कि उसको क्या परेशानी हो रही है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, उसको कौन परेशान कर रहा है, और किस तरह से उसकी पूरी उसकी जो सामाजिक ढांचा वाचा है, उसका ढांचा है, वो कैसे चल रहा है। तो ये इस्लाम को का मूर्ति पूजा का कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से। इसका मतलब ये है कर्म जो है वो पूजा है, कर्म भगवान से इंसान को जोड़ता है, और इसका डायलॉग है फिल्म में भी आप देखेंगे बहुत सारे इस तरह के डायलॉग हैं, जहां वो कहता है इस तरह की बातें कि दूसरे की मजहब की इज्जत करना, ये हर जगह लिखा है, कुरान में भी लिखा हुआ, तो वो उस थॉट पे है सारी चीजें। ये बिल्कुल एक सतही थॉट में अगर आप, और ना ये ना नहीं, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा कहानी बनाई गई है इस चीजों में, इसको आप अगर एकदम सच से जोड़ देंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा सही नहीं रहेगा इस बात को कहना। पूरी तरह से सच मत, एक कहानी को लेके किरदारों में अलग अलग चीजें बांटी गई। मेरा नाम ज़ैगम इमाम है, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। नक्काश एक अलग तरह की फिल्म है, सोशल पॉलिटिकल ड्रामा है, इनाम और शारिब की मशहूर जोड़ी है इस फिल्म में। अलग तरह का विषय है, अलग सब्जेक्ट है बहुत, एक मुस्लिम कारीगर की कहानी है जो मंदिरों में काम करता है और किस तरह से उसको कुछ लोग रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग कैसे उसको सपोर्ट करते हैं, वो कैसे अपना काम करता है और आखिर उसके साथ क्या होता है, एक अलग तरह का ड्रामा है। आप आज के माहौल में बहुत ज़रूरी फिल्म है मैं मानता हूँ, और बहुत अच्छा मैसेज देती है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है, गंगा जमुनी तहजीब की बात करती है, तो इस फिल्म के ज़रिए एक अच्छा मैसेज जाएगा, लोगों को ज़रूर ये फिल्म देखनी चाहिए। शारिब और इनाम की जोड़ी बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ी है, ये जोड़ी पिछली कई फिल्मों में कमाल कर चुकी है, फिल्मिस्तान में इनकी जोड़ी बहुत मशहूर रही, बहुत कमाल किया इन्होंने। मेरा मकसद ये था, मेरी कोशिश शुरू से थी कि दोनों कम से कम किसी तरह से आएँ और इस फिल्म से जुड़ें। मैंने पिच किया, बहुत कहानी सुनाई, इनाम भाई से बात की, फिर शारिब भाई से बात की, दोनों एग्री हो गए फाइनली काम करने के लिए और हम नक्काश को लेके सबके सामने आए। देखिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था शुरू से ही कि ये किस दर्शक वर्ग के लिए, मैं लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म को सारे लोग देखें, सिंगल स्क्रीन पर भी, मल्टीप्लेक्स में भी, नीश ऑडियंस को भी पसंद आएगी और एक नॉर्मल आदमी को भी पसंद आएगी फिल्म, क्योंकि फिल्म का सब्जेक्ट जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है ये फिल्म सभी दर्शकों के लिए है, हर वर्ग के लोगों के लिए, उनको पसंद आए। सर दो सवाल हैं आपके, कि पहले तो इस फिल्म को करने में मुझे क्या अट्रैक्ट किया, उसका जवाब ये है कि यही फिल्म नहीं कोई भी फिल्म मैं सिर्फ स्क्रिप्ट के बेस पे करता हूँ। मेरी पहली शर्त ये होती है कि मुझे स्क्रिप्ट पूरी पढ़नी होती है, मैं नरेशन में भी बिलीव नहीं करता, तो स्क्रिप्ट पूरी पढ़ता हूँ, उसको समझता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ करनी चाहिए तो मैं करता हूँ और नहीं करनी चाहिए तो मैं जाके ना कर देता हूँ। ये पहले सवाल का, तो जब इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे कमाल की स्क्रिप्ट लगी थी, और जब फिल्म बनी तो फिल्म भी कमाल की बनी और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी कमाल का आने वाला है। दूसरा सवाल शारिब भाई और मेरी केमिस्ट्री का, शारिब भाई और मैंने फिल्मिस्तान में साथ में काम किया था, उसी दौरान हम अच्छे दोस्त बने,
और वो दोस्ती आगे बरकरार रही। साथ में बहुत सारे ऑफ़र आए हमको जो साथ में फिल्में कराना चाहते थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट नहीं थी जो दिल को छू जाए, तो इसलिए मना करते रहे। फाइनली ये स्क्रिप्ट ऐसी थी कि जिसमें एक तो रिपीट नहीं हमको करना था कि जैसा पहले कर चुके वैसा ही करें, एकदम दोनों की अलग केमिस्ट्री है इसमें, अलग इक्वेशन है और एकदम अलग तरह के किरदार देखने को मिलेंगे। सर मुश्किलें धर्म देख के नहीं आती, मुश्किलें सबके साथ आती है। आप उस सोसाइटी के हिस्सा हो, आप अपने मोहल्ले में जहाँ भी रहते हो, और कोई लॉजिकल सोच नहीं, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका सबसे बड़ा लेना देना शिक्षा से है। आप किसी भी धर्म से में जाके उठा के देख लीजिए, अगर अशिक्षित तबका है तो उनकी सोच वही होगी जो दूसरे धर्म के अशिक्षित तबके की, इलिटरेट तबके की, वही बात किसी भी धर्म के पढ़े लिखे तबके की जो सोच होगी वही दूसरे धर्म के पढ़े लिखे। तो मुझे नहीं लगता धर्म से कोई लेना देना, बस कोशिश करें अपने बच्चों को पढ़ाएँ और ज़्यादा उनकी सोच को विकसित करें ताकि आने वाले समय के बच्चे इन सवालों से बच पाए। इनाम के साथ नक्काश में, इनाम के साथ काम करने का जो दोबारा फिर से मुझे मौका मिला इस फिल्म के थ्रू, तो वो मेरे लिए बहुत शानदार मौका रहा, क्योंकि हम दोनों जब भी साथ में आते हैं, मतलब जनता को मज़ा आता है वो तो फिल्मिस्तान में आपने देखा है, लेकिन हमें खुद आपस में जब हम साथ में काम करते हैं तो हम बहुत इंजॉय करते हैं, एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय करते हैं। हम सिर्फ क्या कहते हैं को एक्टर्स नहीं हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो साथ में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और जब काम करते हैं तो इंजॉय करके काम होता है। फिल्में बनाना अलग अलग कहानियों पर बहुत ज़रूरी है। एक ही किस्म की कहानी अगर हम बार बार देखते रहेंगे, जो ऑलरेडी लाइफ जो हो रही है, जो समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, उन पर भी हमें रिफ्लेक्शन डालना चाहिए, क्योंकि सिनेमा जो है वो सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन होता है। और हमने ऐसे ही एक मुद्दे को इस फिल्म के ज़रिए उठाया है और कोशिश की है कि जनता तक उसे एक एंटरटेनिंग तरीके से पहुँचाएँ। एंटरटेनमेंट मतलब ये नहीं कि उसमें मतलब नाच गाना या डांस या एक्शन है, पर उसको हमने उस तरीके से बताने की कोशिश की है कि वो एंगेजिंग रहे और आप देखते वक्त आपको भी मतलब मज़ा आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग एंड योर पेशेंस फॉर वेटिंग सो लॉन्ग, थैंक यू सो मच। हिंदी में बोलूँगा, नक्काश एक बहुत ज़रूरी फिल्म है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आपके लिए क्यों है इस सवाल का जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिल जाएगा, मेरे लिए क्यों है वो जवाब मैं अभी दे देता हूँ। आज से तकरीबन 20 या 25 साल पहले जब मैं सहारनपुर की गलियों में बैठकर ये सोचा करता था या बोला करता था कि एक दिन बॉलीवुड में जाके हीरो बनूंगा, हीरो इन इनवर्टेड कॉमास, तो पूरा यूनिवर्स ठहाकों से गूंज जाता होगा, पागल हो गया है साला। और आज जब वो घड़ी आ गई है, इस पल ठीक इसी पल जब ये हो रहा है और ये होने वाला है, तो वही यूनिवर्स गवाह है इस बात का कि सपने सच होते हैं। सपने देखने वो यूनिवर्स गवाह है इस बात का कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अब आता हूँ अपनी दूसरी बात पर, इन्वर्टेड कॉमास। हीरो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए कहा कि कहना ज़रूरी है, मैं लीड एक्टर भी कह सकता था, प्रोटैगनिस्ट भी कह सकता था, लेकिन तमाम दुनिया का सिनेमा देखने सुनने और समझने के बावजूद हमारे यहाँ हीरो की जो परिभाषा है वो बदलनी चाहिए, वो बदलने का वक्त आ गया है। इक्का दुक्का जगह से आवाज़ें आने लगी हैं कि कंटेंट ही हीरो है, लेकिन वो इक्का दुक्का आवाज़ें इतनी कम हैं कि पूंजी के ढेर पर पालथी मारे बैठे हुए डिसीजन मेकर्स के कानों पर जूं नहीं रेंगती। इसलिए वो आवाज़ें बढ़नी चाहिए आपके माध्यम से, और वो आवाज़ यही है कि कंटेंट ही हीरो है। थैंक यू सो मच।